नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एस टी एम एस हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डी बी सी को लिए लेके एक अपडेट आया है, ठीक है। डबल बटन कनेक्शन में एस टी एम एस में कुछ अपडेट आया है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आया है डी बी सी करने में। और ये अपडेट बहुत सारे इरोर आ रहे हैं, बोल रहा है कि डीबीसी नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में आज डिटेल्स में बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं डीबीसी के लिए ओपन किया हुआ हो और यहाँ पर 14 kg ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर 14.2 kg का है। यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो ये विंटर स्टॉक लिखा हुआ है दोस्तों। ये सिर्फ यहाँ पर करेंगे तो नहीं होगा, ये सिर्फ लद्दाख के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, एडिशनल सिलेंडर इशू यहाँ पर जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली डीबीसी प्रोडक्ट ऐड हो गया है, ठीक है दोस्तों। यही था प्रॉब्लम, ये सिर्फ लद्दाख के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, ठीक है, हमारे लिए नहीं है विंटर स्टॉक, इसलिए वो एरर आ रहा था दोस्तों। तो आई होप इस छोटे से वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है, जान लिए होंगे डीबीसी का जो प्रॉब्लम आ रहा है नए अपडेट की वजह से। तो दोस्तों, ये सॉल्व हो चुका होगा आपका। आप लद्दाख से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। तो एक बार वीडियो ख़त्म करते हैं, मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।